हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। देखिए, आज का जो लेक्चर है आपका टेंथ क्लास के लिए है। और टेंथ क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इसमें चैप्टर हमारा है सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। और बुक आपकी कौन सी है, एनसीईआरटी बुक है। और एनसीईआरटी बुक का हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं इसमें थर्ड, 7.1 का थर्ड और फोर्थ हमने दो क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो देखिए, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसमें, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कि हमारे पास जो ये तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट क्या है इसमें, कोलिनियर है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कोलिनियर होता क्या है इसमें, ठीक है ना। ये थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है यहाँ से। कोलिनियर क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इसमें तीन पॉइंट है ए बी सी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेंगे आपको तीनों पॉइंट, ये ए बी सी, ऐसे कोई नहीं मिलेगा ऐसे इस टाइप में, या फिर ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए बी, उसके बाद निकालेंगे बी सी, दोनों का प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा वो ए सी। कि ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का प्लस करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, वो ए सी के इक्वल आ जाए, तो हमारा क्या होगा, वो कोलिनियर होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सबसे पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस किसकी, ए बी की। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन इसका होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इसका होल स्केयर और इसका स्केयर रूट, ये अप्लाई कर देंगे इनमें। अब सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस किसकी, ए बी की। ए पॉइंट क्या है 1.5, बी पॉइंट है 2.3। ये हमारा यहाँ पे है एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। तो हमारे पास जो ए बी है वो क्या आ जाएगा इसके अंदर, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस वन इसका होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, थ्री माइनस फाइव का होल स्केयर। टू में से वन माइनस करेंगे वन बचेगा, ठीक है, वन का स्केयर। थ्री माइनस फाइव क्या आ गया, माइनस का टू इसका होल स्केयर और इसका स्केयर रूट। वन का स्केयर वन, माइनस टू का स्केयर प्लस का फोर, फोर प्लस वन कितना आ गया रूट फाइव। अब फाइव का आप रूट निकाल सकते हो, फाइव का जो रूट है वो आप डिजिटल मेथड से निकाल लोगे ऐसे, ठीक है ना। वो आपका कितना आ जाएगा, 2.24 अप्रोक्स में आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे इसमें, अब जो बी सी है उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब बी पॉइंट हमारे पास क्या है इसमें, 2.3, सी पॉइंट है माइनस टू माइनस इलेवन। अब निकाल लो इसमें बी सी, एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस का टू माइनस का टू इसका होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, माइनस का इलेवन माइनस का थ्री इसका होल स्केयर। अब आगे देखिए, माइनस का टू माइनस का टू, माइनस का फोर, माइनस का फोर का स्केयर कितना हो गया 16, एक्स इलेवन माइनस थ्री हो गया माइनस 14, माइनस 14, माइनस 14 का स्केयर क्या आ जाएगा 196। अब दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 66, 12, वन कैरी लग जाएगी 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 2, 212। अब इसका रूट निकाल लोगे, 212 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा अप्रोक्स में, 14.56 के आसपास आ जाएगा आपका, ठीक है ना, अप्रोक्स में। ऐसे हमारा क्या बच गया इसमें, अब ए सी, आप ए सी भी निकाल लेते हैं इसमें। ए पॉइंट क्या है इसमें 1.5, सी पॉइंट माइनस टू माइनस इलेवन। अब निकालेंगे इसमें ए सी, तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स वन है ये वाई वन, ये एक्स टू ये वाई टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस का टू माइनस का वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, माइनस का इलेवन माइनस के फाइव इसका होल स्केयर। माइनस का टू माइनस वन कितना हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्केयर प्लस माइनस इलेवन माइनस के फाइव माइनस के 16 इसका होल स्केयर। थ्री का स्केयर क्या हो गया 9, 16 का स्केयर 256, दोनों को प्लस कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 265। अब 265 का रूट निकाल लो, वो आप निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये, ठीक है ना, 16.28। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है इसमें, देखिए कि ए बी प्लस बी सी, आप ए बी निकालिए और बी सी दोनों का प्लस करिए। ए बी हमारे पास क्या है इसमें 2.24,
प्लस में BC, BC हमारे पास क्या है 14.56। अब दोनों को प्लस करिए। अब पॉइंट में बच्चों को प्लस करना नहीं आता, तो हम कैसे करते हैं, इसमें देखिए जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 2.24, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट से इधर हमारे पास क्या है 4.1 और पॉइंट से लेफ्ट साइड में क्या है 5.6, दोनों को प्लस कर देंगे, 6 + 4 = 10, 1 कैरी लग जाएगी, 5 + 2 = 7, 7 और 1 = 8, 4 + 2 = 6, कितना आ गया 16.80 आ गया इसमें, ये 16.80। और हमारे पास जो AC है वो कितना है इसके अंदर, ये 16.28, तो हमारे पास क्या है ये नोट इक्वल टू AC के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या है ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा क्या है आर नोट कोलिनियर, तो यहाँ पे लिख देंगे द पॉइंट्स क्या पॉइंट है 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर नोट कोलिनियर, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो आप इस क्या करना है, इसमें सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है इसमें कि आप AB प्लस BC करते हो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो AC आ जाए तो कोलिनियर है, AC केवल इक्वल नहीं आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा नोट कोलिनियर। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर है 4th, वो क्या कह रहा है इसमें, चेक वेदर, हमने चेक करना है कि ये तीन पॉइंट गिवन है, आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टेक्स है या नहीं है। तो देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल हमारी क्या होती है, जिसमें दो साइड इक्वल हो, जैसे कि या तो ये दोनों इक्वल आ सकती है, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकती है, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी दो इक्वल हो सकती है साइड, इसमें दो इक्वल आ जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, वो आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तीनों पॉइंट हमारे गिवन है, डिस्टेंस निकालेंगे AB की, BC की, AC की, ठीक है, तो हमारा तीनों में से कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसमें AB, A पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे 5 - 2, B पॉइंट ले लिया इसमें 6, 4 पॉइंट हमने लेट कर लिए, नाम रख दिया इसका A, इसका B और इसका C, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं AB में डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, x2 - x1 6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4, बीच में नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसका होल स्क्वायर, 6 में से 5 माइनस कर दोगे 1 बचेगा यहाँ पे, 4 + 2 = 6 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, कितना आ गया ये √37 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे इसमें अब BC, अब हमारे पास जो B है वो हमारे पास क्या है 6, 4, C पॉइंट है 7 - 2, डिस्टेंस अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर, तो देखिए कैसे x2 - x1 7 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 - 4 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा इसमें, उसके बाद -2 - 4 कितना हो गया -6 -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे √37। देखिए इसमें दोनों साइड हमारी क्या आ गई, इसमें AB और BC है, दोनों साइड इक्वल आ गए, पर TC भी हम साइड निकाल के देखेंगे, इसमें नहीं पता वो अभी इसके इक्वल आ जाए, तो देखिए इसमें हम निकाल लेते हैं AC, A पॉइंट गिवन है 5 - 2, C पॉइंट है 7 - 2, अब AC हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें, ये A पॉइंट है और ये हमारे पास C पॉइंट है, x2 - x1 7 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 + 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है प्लस, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें बीच में जो साइन है वो किसका आता है, नेगेटिव का आता है, 7 - 5 कितना बच गया यहाँ पे 2 - 2, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट कितना होता है 2। अब इसमें देखिए हमारी जो AB है और BC है वो दो साइड इसमें इक्वल आ गई, जो AB है और BC है ये साइड इक्वल आई हमारी, ये और ये, ठीक है ना, AB BC दो साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है हमारे पास जो तीनों पॉइंट है वो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कि द पॉइंट्स 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस
ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है कि आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसमें दो साइड इक्वलाइज हैं, ए बी बी सी ए सी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस हमारी इक्वल आ जाती है, तो ये जो वर्टेक्स हमारी इस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे ये। ठीक है, तो आज हम सिर्फ दो ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या करोगे, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।